हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां से प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखो तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे मैंने दिए हुए हैं, इनको बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन और जो भी होगा वो सब एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले है क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर है फर्स्ट। इसमें सबसे पहले क्वांटम इफेक्ट का डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल, ये 90% चांस होते हैं इसके हर बार पूछा जाता क्वेश्चन है। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 5 मार्क्स में आपको मिल सकता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मे बी इन दोनों में से किसी पे मिलेगा, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में से किसी ना किसी पे मिलेगा, क्योंकि इन 3-4 टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को जरूर कीजिएगा, अगर आप इनको भी कर लेते हो तो यू विल गॉट सिक्योर अ गुड मार्क्स एग्जाम, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, सेकंड चैप्टर आपका है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल से भी आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है लो डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, लो डायमेंशनल स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उनके क्लासिफिकेशन आपको आने चाहिए। उसके बाद ये जो दो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टेट इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर इन 2D, 1D एंड 0D, ठीक है। एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी स्टेट बतानी है आपको इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर 2D, 1D एंड 0D में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बन सकता है डेंसिटी ऑफ स्टेट, अब आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट इन 3D, 2D, 1D एंड 0D में बतानी है। ये दो से कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है दोनों से क्वेश्चन मिल जाए, बट एक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन योर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर आपका है वो ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन सेमीकंडक्टर आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन जैसे एब्जॉर्प्शन, एमिशन, ऐसी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो सारी आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए आपको देखना है ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी, यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी टॉपिक को, आप पूरा पढ़ लीजिएगा A to Z टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मे बी आएगा ही आएगा आपका टॉपिक, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है, इनको भी बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें से 6 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, इनको एक कॉपी में लिख लीजिए और इनको फिर आपको कॉपी में लिखने के बाद एक बार दोबारा से अच्छे से कीजिए। उसके बाद 4th चैप्टर है आपका PN जंक्शन, अब PN जंक्शन भी आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक्स 5-5 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है जीनर डायोड एंड टनल इफेक्ट के बारे में, अगर आपसे जीनर डायोड पूछा जाता है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आता है रेक्टिफायर्स, जीनर डायोड और टनल इफेक्ट के बाद आता है रेक्टिफायर्स। अब रेक्टिफायर से आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद आपसे पूछ सकता है उसकी DC वैल्यू क्या है रेक्टिफायर की, आपके 2 रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ रेक्टिफायर एंड फुल रेक्टिफायर्स, वो ऐसे आपको टाइप्स में पूछ लेगा, तो आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा, या उसका पूछ लेगा रिपल फैक्टर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। उसके बाद एक जो मस्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है वो है फैट, ठीक है, फैट में से आपको जे फैट या मॉस फैट, हो सकता है आपको फैट पूछ ले, उसके बारे में पूछ ले और उसके टाइप्स पूछ ले, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं जे फैट मॉस फैट, फिर आपको हो सकता है इन दोनों में से ये पूछ ले या ये पूछ ले, तो आपको ये भी प्रेयर पढ़ रहे हो इस टॉपिक के बारे में। अब इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, डायग्राम, डेफिनेशन एंड वर्किंग, ये 3 चीज़ें आपको रट लेनी है किसी भी फैट की, ठीक है, किसी भी फैट की आपको ये 3 चीज़ें डायग्राम, डेफिनेशन एंड वर्किंग। उसके बाद आपका 5th चैप्टर, जो कि 5th चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में, फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो उसके बाद है इलेक्ट्रॉन इन 3D पोटेंशियल बॉक्स, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टेट से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देन आपका है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट, यहाँ से आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन doesn't exist in nucleus, वो आपको जरूर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।